तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के 3 नए अपकमिंग फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कमाल के फीचर हैं। ये आने वाले टाइम पे सबको रोल आउट होने वाले हैं। ये फिलहाल अभी बीटा यूजर को भी रोल आउट नहीं किए गए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर फीचर है जो कि बहुत ही कमाल का है, वो है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन वाला फीचर। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ। लास्ट सीन एंड ऑनलाइन फीचर जो है बहुत ही प्यारा और प्राइवेसी रिलेटेड है। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जब भी अगर आप ऑनलाइन, जैसे मान लो आपने लास्ट सीन को छुपा के रखा है और अगर आप ऑनलाइन आ जाते हैं, लास्ट सीन को आपने कर रखा है, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट लगा के दिया है मैंने, यहाँ पर अगर आपने लास्ट सीन को एवरीवन या माई कॉन्टैक्ट या नोबडी करके रखा हुआ है, तो होता क्या है, अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट के जो भी लोग हैं अगर वो देखते हैं तो आपका ऑनलाइन स्टेटस वहां पर दिखता है। तो उसको प्राइवेसी रिलेटेड करने के लिए उन्होंने वहां पर आप ऑनलाइन स्टेटस को भी आप हाइड कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको भी आप लॉक कर सकते हैं। तो ये फीचर सबसे कमाल का लगा यार मुझे, बहुत पहले से वेटिंग था बट अब उसको रोल आउट करने वाले हैं फाइनली। अब आपका ऑनलाइन का स्टेटस वहां पर नहीं दिखने वाला। उसका दोस्तों जो दूसरा फीचर है वो भी बहुत ही कमाल का फीचर है। वो फीचर ये है, अगर आपने देखा होगा आप बहुत सारे ग्रुप बना तो लेते हैं, आप बनाते हैं या फिर अगर आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसमें होता क्या है, धीरे 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 करके मेंबर्स कम होते रहते हैं। पता नहीं चलता कि कौन कौन कम हो गया, बट बहुत सारे लोग वहां पर कम होते रहते हैं धीरे धीरे। अब वहां पर व्हाट्सएप एक नया फीचर लाने वाला है जहां पर आप जाके देख सकते हैं कि पास्ट में कितने लोगों ने ये ग्रुप को छोड़ा है। 60 डे का डेटा आपको वहां तक मिलेगा, मतलब 60 दिन के अंदर जिन लोगों ने ग्रुप को छोड़ा होगा तो सारी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि कौन कौन ने आपके ग्रुप को छोड़ा और कब कब ये ग्रुप को छोड़ा या लेफ्ट किया है। तो ये फीचर भी कमाल का है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा फीचर है वो भी कमाल का है दोस्तों। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना के बताया था, या बोल सकते हैं कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया था जिसका नाम है डिसअपीयरिंग मैसेज। अगर आपको नहीं पता डिसअपीयरिंग मैसेज होता क्या है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वहां पर क्या किया गया है, उन्होंने क्या किया गया उस फीचर के अंदर, एक नया अपडेट कर दिया। अब क्या होगा, मान लो कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे डिसअपीयरिंग मैसेज पे भेजा कुछ, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद या 24 घंटे जो भी आपने उसमें टाइम लिमिट लगा दी होगी, उस टाइम के बाद वो मैसेज आपका या फोटो जो भी हो आपकी डिलीट हो गई होगी, तो वो वापस आपको नहीं मिलेगी, ना आप देख सकते हैं ना जिसने भेजा है वो देख सकता है। बट अब क्या होने वाला है, व्हाट्सएप एक ऐसा एक अलग से एक स्पेस बना, एक ऑप्शन बनाने वाला है, या भी बोल सकते हैं एक स्पेस बनाने वाला है, एक ऑप्शन बना देगा व्हाट्सएप के अंदर। वहां पर क्या होगा, जो भी डिसअपीयरिंग मैसेज होंगे वहां पर आप जाके देख सकते हैं, मतलब कि स्टोर कर दिया जाएगा कहीं भी। एक ऑप्शन अभी पता है नहीं उन्होंने कहाँ ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा जो मैसेज है डिसअपीयरिंग में उसको देख के आपने डिलीट ऑटो डिलीट हो गए। तो ये फीचर भी अच्छा है कि कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो गलती से देख तो लिए हमने बट ध्यान से उतर गया, हमने भूल गए क्या था, तो हम उसको वापस वहां जाके रिकवर कर सकते हैं। तो ये फीचर भी अच्छा है, ये आने वाले टाइम पर रोल आउट होगा। जैसे ये फीचर रोल आउट होंगे, 3 नए फीचर मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही टेक अपडेट के लिए व्हाट्सएप से रिलेटेड या मैं सैमसंग रिलेटेड भी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो नोटिफिकेशन वाला आइकन को भी दबाना ना भूलें, और जरूरी चीज दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।